लेकिन ये ऐसा ऐलान था जिसमें एक सवा लाख लोगों जब हुए तब अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि तुम ये पैगाम पहुँचा दो, अगर तुमने ये पैगाम न पहुँचाया तो गोया के कार्य की सादत आपने अंजाम नहीं दी। यानी एक वार्निंग भी दी, शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिचकिचा रहे थे, और चूंकि उसका मुस्तकबिल भी जानते थे, अल्लाह की तो इन्होंने था ही था, दोनों अल्लाह के भी इन्होंने था कि शायद इसके ऊपर अमल होना मुश्किल काम है, लेकिन हुज्जत तमाम करना जाएगा रसूल का, हुज्जत तमाम करना जरूरी था। तो इतने बड़े बंदे के अंदर एक सवाल आपका बताऊँ और पिछहत्तर का आपका बताया जाता है, उसमें वो ऐलान करना कि जिसका मैं बोला उसका अली है। तो ये मकबूल जो बोला वहाँ का अली बोला का ऐलान इतने बड़े बंदे के जब नमाज का हुआ, न रोजे का हुआ, न हज के लिए होने के लिए, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि रोजे आफ्ता जब ये गलतियाँ करेंगे और रोजे आफ्ता जब वहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा तो कोई ये ना कह सके कि हमें इतना नहीं। इसलिए उस जमाने में ये कोई टेलीविजन या इस टाइप का कोई मीडिया नहीं था, तो हर जगह से लोग आए हुए थे, उन तक ये पैगाम पहुँच जाए, जहाँ जहाँ इस्लाम पहुँच चुका था वहाँ वहाँ ये पैगाम पहुँच जाए कि वली कौन है, इसका वो रसूल मौला है, उसके अली मौला है। ये पैगाम पहुँचाने का मकसद था इतने बड़े बंदे के अंदर ऐलान हुआ, लेकिन अल्लाह की हिम्मत था इसीलिए इसको ये हुज्जत तमाम हो गया। तो हुज्जत तमाम हो जाए इसके बाद इसलिए कि अगर ऐसा होता तो उसका ऐलान कर दिया जाता, लेकिन नहीं, ऐसे लोगों को इतने बड़े बदल नहीं होते। और इसकी अहमियत का इससे अंदाजा लगाइए कि इतने बड़े बदले में ऐलान होने के बावजूद लोगों ने इसको छुपाने की कोशिश की, लेकिन ये छुपाने की कोशिश करने का ये सबूत है इस बात का कि ये बहुत ही अहम दौर था, बहुत ही अहम मामला था जिसको हकीकत को छुपाना बहुत जरूरी था इनके लिए। तो कुछ लोगों ने किताबों में ये कलम चलाया तो इसको गायब कर दिया, इस बात पर किसी ने भटकाने की कोशिश की कि ये तो एक किसी ने झूठा पकड़ना, जैसे आज के दौर में देखते हैं कि पुराना हथकंडा है, वो बात नहीं है, हुकूमत ने किया है, उन्होंने कहा अरे ये तो बड़ी गलीज शिया मुस्लिम में गलीज ईद मनाई जाती है जिसमें लड़के लड़कियाँ सभी वगैरह हो जाते हैं, वहाँ पर शादियों का मामला तय होता है। किसी ने कहा कि वो तो ऐसे था कि रसूल ने कह दिया कि दो नहीं छुपा दिया उसको, तो दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान एक हदीस। किसी ने कहा कि कुरान एक सुन्नत। किसी ने लिख दिया कि ये सब बेकार है, वो ऐसा था कि हम जमीन यमन की तरफ गए थे, वहाँ जो कुछ लोग साथ में मौजूद थे मौलान शरीफ कि वो वहाँ जब वापस आ रहे थे तो जो उनके साथी थे जो रसूलुल्लाह ने उनके साथ हमला सवार भेजे थे उनको शिकायत हो गई अली से, तो उनके सामने उनकी सफाई देनी थी कि नहीं अली भी मेरे लिए अली है जो बड़े नेक आदमी है, तो उठाया और उनका इसका मैं तो मतलब मुस्तकिल ये कोशिशें की गई कि लोगों को किसी सूरत से जो फसल वापस जाए उससे इसको छुपाया जाए। अब हमारा फर्ज यही होता है कि हम इसको दोहराते रहें ताकि हम अपना फर्ज अदा करें, कोई इस लोगों नहीं कि हम जरूर सुनाना चाहते हैं, नहीं, हम अपना फर्ज अदा करना चाहते हैं कि हम ये बताएं लोगों को कि ऐसा होता अपनी माने लायक राम दीन दीन में कोई जरूर नहीं, तो इसमें भी कोई जरूर नहीं है कि आप माने या नहीं, लेकिन हम उसको दोहराते रहना चाहिए, ये हमारा फर्ज है। इसलिए ये ईद मनाई जाती है, नमाज भी पढ़ते हैं, आहार पेश करते हैं, दुआएँ मांगते हैं, थोड़ा नेक दिन है इसको माना जाता है। अगर वली अब ये बात अगर वली को बनाया किसी ने, देखिए वली किसने बनाया, मौला किसने बनाया, ये इसलिए ज़रूरी था कि हुकूमत चलाने के लिए या पानी कोई भी मुहर होता है, कोई भी इंकलाब आता है तो उसका जो मुहरिक होता है वो कोशिश ये करता है इस्लाम बड़ा गुदर दबाया जो बड़ा गुदर इंकलाब था, तो उसमें ये हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि भटक जाए लोग, तो भी कर रहे वो पेश किया गया, लेकिन अंदाजी भी बहुत बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक मसला ये आता है कि ऐसा
यानी हमें फिल्म को क्या जरूरत थी कि सबसे बेहतर अभी हाँ अभी बेहतर थे। उसकी वजह यह है कि अगर हम देखें तो किसी भी सरबराह के लिए जो छोड़ दिया जाता है सपोर्ट किया जाता है तो उसके लिए दो तीन चीज़ों की खास जरूरत पड़ती है। नंबर एक जो मकसद जिस मकसद के लिए जीवन चल रहा था जो इनकलाब आया था उस मकसद से बाहर आई नंबर एक। नंबर दो जहानत इल्म और जहानत और नंबर तीन ताकत कि वो किसी की दोस्त में आ सके अपने फैसले अपने आप ले सके और ये यानी वो जो मकसद आया सामने उसका किसी मोमेंट का किसी इनकलाब का तो उसके ऊपर अपनी जान को जान निशान रखें। दली ने बचपन से ये कोई नहीं कह सकता वफादारी यही नहीं कि आप उन्हें तो आप लोग का ये आप से बचूँ कोई दावा नहीं कर सकता कि नहीं आप मेरा आप से बचूँ कोई दावा नहीं कर सकता कि मुझे जो इन मिला होता है रसूल की लाभ जहन से मिला मुझे लबान चुसाई थी। हमेशा ये कहा कि पूछ लो मुझसे जो कुछ पूछना है मेरे पास वो इल्म है कि जो रसूल की तरफ से मुझे दिखा है उनके सीने से मुझे दिखा है और इससे पहले कि मैं यहाँ ज़रूरी समझी मुझे आसमानों के और जमीन के तमाम रास्तों का इल्म है तो मुझसे मालूम होगा। लेकिन किसी ने जिस मालूम पर सारे लोग थे वो जाते थे बैठते थे तो नहीं उससे फायदा करना चाहते थे। एक नंबर दो के ऐसा कौन सा कोई दावा नहीं कर सकता कि किसी के बाप ने रसूल की हिफाजत की हो कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं रसूल सबसे ज़्यादा यानी मुसीबत में पड़े हुए थे एक इनकलाब वाला मैंने जब मुझे शुरू में आपने ये तबलीग का काम शुरू किया तो मक्की की गलियों के अंदर लोग आपको परेशान करते थे वोट फेंकते थे पत्थरों से पत्थर फेंकवाते थे तो ऐसा ऐसे माहौल के अंदर अली थे सुबह रहते थे बच्चे थे बच्चों से रहते थे तो मौसम के लिए आपने हमेशा जाना वो हजरत की रात आई तो आप वहाँ पहुँचे जब अमानत वापस हुए क्या अमानत वापस करके उनको कर देना कोई नहीं नजर आया मौके के अंदर जिसके हवाले जाने से पहले लड़ते रहे और उन्होंने रसूल की रिसालत की हिफाजत की
नहीं होते होते जो नहीं बोला था अल्लाह को बचाना था नामुमकिन था, यही जरिए से बचाना था, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की, किसी ने अपने आप को बार करने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये थे कि जब रसूल नहीं तो हम, जब इस्लाम ना होगा तो हम नहीं रहे, और बाकी सकते हैं कि इस्लाम रहे ना रहे हम रहे, ये बात। इसलिए ये इस ईद को मनाते हैं, ऐसी शख्सियत को इधर पेश करते हैं, हम उनकी औलादों का इसी तरीके से होता है। आप जैसा जो है, आप जैसी औलाद किसी को नसीब हुई कि सरदार ने सब लोग मानते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान मानते हैं कि इमाम हसन इमाम हुसैन हसनैन जो है ये शहजादे, ये सरदार ने जन्नत, कोई दावा नहीं कर सकता साहब में कि मेरी औलाद सरदार ने, कोई ऐसी जोजा ना पा सकता जो हजरत अली ने, कोई ऐसा बाप ना पा सकता कि जो रसूल की इतनी इबादत करे, अपने आप को कुर्बान करने के तैयार है, जो अली की बात नहीं हुई, अली ने खुद भी नहीं किया, अली की औलादों ने भी किया। हम सलाम करते हैं उनको कि हम, और हम दुआ करते हैं कि अली के नाम में जो है वो कामयाब हो, चाहे वो ना हो। अब बहुत सी बातें यहाँ पर कही जा सकती हैं, मैं बता कि नहीं चाहता, लेकिन ये तय है कि जितनी जितना हकूमत से हो सकता है, मैं मुसलमानों को भी कहता हूँ, मैं हकूमतों को भी कहता हूँ, इसी लिए मामूली किसी एक इंसान को मुसलमान की बात कह दिया, कह दिया। आज बहुत से आप देखिए आपको क्यों चल रहा है, जो कह देते हैं ऐसे गौर रहे हैं, आप इससे हाथ लगाते हैं जब हकूमतें हलम करना चाहती हैं, जब हकूमतें कुछ और करना चाहती हैं, तो वो सब कुछ लोग उसमें एक जज्बात के अंदर कर रहे हैं, वही चीज़ जो है वो वहाँ पर ज़रूर नहीं होगी। और ये कोई हर हकूमत हो, चाहे वो मन का हो गया, चाहे वो ग्रीन एम्पायर के लोग हैं, दुनिया का रहे, चाहे वो हिंदुस्तान वाले रहे, चाहे वो फारस वाले रहे, सब ने यही किया है। बादशाहों का मजहब जो है बादशाह को महफूज करना है और उसके लिए प्रगंडा करना है। ये मैं यहाँ आपसे बोलूँ कि अगर इल्म की जहाँ तक बात थी, तो इल्म पर आप जानते हैं कि कि मैं यूं का शहर हूँ और अली के रूम में दरवाजा है, सलूनी सलूनी तो कोई दावे नहीं कर सकता। तो इसको आप सोचिए कि अगर वो वहाँ से हाकिम बन गए होते और उनकी जैसे कि एक अल्लाह चाहता था, तो वो यानी ये 300 साल का इंतजाम था मौसमी तो 300 साल तक अगर कायदे के साथ हुकूमतें चली होती तो क्या मुसलमान इतना जारी रहता है? क्योंकि जब सरबराह आदमी हो तो वो नहीं पसंद कर सकता था कि सब जारी है। और घटते 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 एक दौर ऐसा आया कि उसके बाद बहुत से आए और खिलाफत जो है तुर्की में चली गई। और जब तुर्की से गायब हुई तो मैं उस पर किसी बात कहना चाहता हूँ कि जब तुर्की में गायब हुई 20वीं सदी के अंदर, तो 8% लोग सिर्फ जो है वो पढ़े थे, यानी पौधा जिसे लिटरेट कहा जाता है, वहाँ पे ये यूएनओ की वो है सेंसस की जो रिकॉर्ड है वो बताता है कि टर्की के अंदर 1921 के अंदर जो सेंसस हुआ तो 8% खलीफा वक्त जिसकी दारुसल्तनत तुर्की में थी, तो खलीफा ने अपने अतराफ में अपनी जबान बोलने वालों को इतना जाहिर छोड़ दिया था कि वो सिर्फ 8% पढ़े थे। यानी हिंदुस्तान आज़ाद मुल्क नहीं था, गुलाम मुल्क था, यहाँ पे 12% लिटरेसी थी। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि ये जाहिर बन जाए, तब ये 12% जो है ये तब 12% यहाँ पे थे और वहाँ पे सिर्फ 8% जिसको अतातुर्क ने आन करके, हालांकि वो प्लांटेड था, वो एजेंट था, उसके बारे में मेरा भी यकीन यही है, तारीख बताती है, लेकिन उसने कोशिश कर करके 20% जो है 6 साल के अंदर इसको 8% को 20% पे वो लिटरेसी रेट हो गई। तो जो कौम इतनी जाहिल थी उसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें ये भी पता न चल सका
हमारी कौम के लोगों को, जिनके पास जिनके पैरों के नीचे यानी तेल के खजाने थे, कुदरत के दिए हुए खजाने थे, उन्हें ये भी पता नहीं चला कि हमारे पास खजाने थे। उन खजानों का खदानों का Yeah.
हम अपना जिस तरह से चाहेंगे बयान करेंगे, हमें आपके सामने रहना, आप मैं भी सामने रहा, मैंने कुछ चीज़ ऐसी चीज़ की छुपाई है, लेकिन बड़े लफ्ज़ ऐसे लफ्ज़ हो जिससे कि फसाद के हो। अभी एक साथी मैं लखनऊ में था, एक साथी साहब ने वहाँ बड़ी अजीब वर्ग हैं, बहुत बड़े भी क्या आदमी, लेकिन ऐसे भी जो किसी यानी ऐसे आने से मैं उम्मीद नहीं करता कि ऐसे अखबार इस्तेमाल करेंगे। पहले इतिहाद की बात तो वो करते हैं जब करनी चाहिए, जब कोई जंग हो, जंग के लिए इतिहाद की जरूरत है, अमन के लिए इतिहाद की जरूरत है। मैंने तो सुना ये था कि इतिहाद यानी अमन के लिए होना चाहिए, वो करा नहीं, जंग के दौर में जरूरत होती है और इतिहाद की जरूरत आज के दौर में नहीं है। जंग है नहीं, इसलिए हम इतिहाद की जरूरत क्या है। तो वो लोग कहेंगे साहब, मैं जो फसादी लोग होते हैं वो सोचते हैं कि मैं फर्स्ट पाऊँ, वही इतिहाद की बात हो, यानी अब मुझे मैं मेरी इबादत इसीलिए कि लोगों ने इतिहाद हो गया, लेकिन पूरा हम लोग हमेशा इतिहाद की बात करते हैं। फसादी लोग हमेशा काम करते रहते हैं, पूरा सोच रहे कि वो बात तो है जातियाँ हूँ क्यों होंगे क्यों नहीं होंगे, लेकिन ये हम ये आलम की तकलीफ अगर आप करते हैं तो इस बात पर बड़ा मेहरबानी मशवरा इतना तो वो अपने कलाम के अंदर ये सोच के बोले कि वो कोई ऐसी चीज पूरा अनुभव करते हैं पढ़िए बड़े शौक से पढ़िए, लेकिन तकलीफ करते हैं। पहले भी तकलीफ की थी, ये काम शुरू हुआ, लेकिन ये काम तो शुरू हुआ था गर्म मंजा के दौर, इसके बाद जब हमको आज़ादी मिली दौर था जिसने काम भी किया बहुत मौसम तरीका था, लेकिन आज के दौर में जब यू मौका चला जा रहा है तो लोग रीजनिंग चाह रहे हैं, लोग ये जानना चाहते हैं क्यों हम अपने आप को बदले, तो आपके पास वो अवसर होना चाहिए कि वो पहुँचा सके कि क्यों बदले। उसके लिए आप किसी से ये नहीं कि बदलता है कि नहीं बदलता है ये नहीं कह सकते, गहरबान तौर पर आप नहीं कह सकते, आप ये कहेंगे कि भाई तू अपने रास्ते पर ये रास्ता ठीक नहीं ये रास्ता सही है। इस तरह से Yeah.
मुनाफ़िक़ और मोमिन में अगर पहचान कर
हाँ
जिसका नहीं लगी रुपये मान लिया है।
खुदा में जब से आया है बल्लिक दिखाई दी, खुदा में जब से आया है बल्लिक दिखाई दी, लगता है अब तो एक एक आयत बदीर है। लो खत्म हो रहा है नबूवत का सिलसिला, लो खत्म हो रहा है नबूवत का सिलसिला, इस सिलसिले की आखिरी आयत बदीर है। है बिस्तरे रसूल पे सोए हुए अली, जागी हुई मगर शबे हिजरत बदीर है। सजदा बगैर इश्क खुदा को नहीं पसंद, और इश्क की नमाज़े जमात बदीर है। ता हश्र ताजे फरमे शरीयत बदीर है, बंदा नहीं खुदा की हुकूमत बदीर है। मैं सोचता हूँ कभी नफ्से मुर्तजा क्या है, और इसके बदले में अल्लाह की रिजा क्या है। गदीर खुम से है इस्लाम की हयात दुआम, गदीर खुम से है इस्लाम की हयात दुआम, ना हो गदीर तो इस्लाम में रखा क्या है, ना हो गदीर तो इस्लाम में रखा क्या है। मौलाइयों का देख के चेहरा गदीर में, सूरज को आ गया था पसीना गदीर में। उंगली तो क्या है काट के रख देती अपना सर, उंगली तो क्या है काट के रख देती अपना सर, जलवा जो देख लेती ज़ुलेखा अदीर में। और नया शार है कुछ कि अदल कब कहता है आसिफ फूल ले और खार दे, अदल कब कहता है आसिफ फूल ले और खार दे, आदमियत पर है वाजिब प्यार ले और प्यार दे, आदमियत पर है वाजिब प्यार ले और प्यार दे। इत्र से कपड़ों को महकाना बहुत आसान है, इत्र से कपड़ों को महकाना बहुत आसान है, बात तो तब है कि खुशबू आपका किरदार दे, बात तो तब है कि खुशबू आपका किरदार दे। जिंदगी का सफर आसान भी हो सकता है, जिंदगी का सफर आसान भी हो सकता है, आदमी चाहे तो इंसान भी हो सकता है। हम जो किरदार करें पेश तो फिर एक काफिर, हम जो किरदार करें पेश तो फिर एक काफिर, अपनी मर्जी से मुसलमान भी हो सकता है, अपनी मर्जी से मुसलमान भी हो सकता है। गर तबर्रा ना करे रोज तो रोजे महशर, गर तबर्रा ना करे रोज तो रोजे महशर, हमको मालूम है नुकसान भी हो सकता है। हमेशा जिंदगी में बहुत अच्छा शेर है खासकर वजीर के हवाले से कि हमेशा जिंदगी में अपने मतलब से रखा मतलब, हमेशा जिंदगी में अपने मतलब से रखा मतलब, कोई भी बात अपने पीरो मुर्शिद की नहीं मानी। हकीकत तो यह है आसिफ के कलमा पढ़ने वालों ने, हकीकत तो यह है आसिफ के कलमा पढ़ने वालों ने, मोहम्मद को तो माना है मोहम्मद की नहीं मानी। जहाँ वालों ने लेकिन अपनी आंखों से ये देखा है, अली की माँ पकाती थी अबू तालिब खिलाते थे, अली की माँ पकाती थी अबू तालिब खिलाते थे। और आखिरी शेर कि मोहब्बत का असर मंजर के पस मंजर में बैठा है, मोहब्बत का असर मंजर के पस मंजर में बैठा है, हसद वो दर्द है जो हासिदों के सर में बैठा है, हसद वो दर्द है जो हासिदों के सर में बैठा है। सितारे के लिए सब अपने घर की छत पे हैं लेकिन, सितारे के लिए सब अपने घर की छत पे हैं लेकिन, ये जिसके दर पे उतरेगा वो अपने घर में बैठा है, ये जिसके दर पे उतरेगा वो अपने घर में बैठा है।
कि खालिक
वली हो नहीं सकता, गुलशन का कोई फूल कभी हो नहीं सकता। अरे तू अकल के मीजान में ना तोल, तू अकल के मीजान में ना तोल इसे ताज, तू अकल के मीजान में ना तोल इसे ताज। जो अकल में आ जाए अली हो नहीं सकता, जो अकल में आ जाए अली हो नहीं सकता। और ये तारीफ भी समाज को बन रहा कि बहका के एक ज़ईफ़ा को, बहका के एक ज़ईफ़ा को कुछ भूल करे अली, बहका के एक ज़ईफ़ा को कुछ मुन करे अली। आए थे खेल खेल मजनुआ के साथ, तारीफ का आया कि बहका के एक ज़ईफ़ा को कुछ मुन करे अली। आए थे खेल खेल ले मजनुआ के साथ, और पढ़कर नमाज मौत को कहने लगे अली, पढ़कर नमाज मौत को कहने लगे अली, अरे जिंदा है तेरा बेटा तो ले जा भाग। जब मैंने कुछ तलब किया रब्बे कदीर से, आई निदा के मांग जनाबे अमीर से। जब मैंने कुछ तलब किया रब्बे कदीर से, आई निदा के मांग जनाबे अमीर से। अपना वली बना के अली को जहान में, अपना वली बना के अली को जहान में। अरे सब कुछ अली को दे दिया ईदे कदीर से, सब कुछ अली को दे दिया ईदे कदीर से। एक नारा सुबह किया तीन चार शेर कि हमारा मौला जो मौला बना कदीर के दिन, हमारा मौला जो मौला बना कदीर के दिन, कई कलेजों पे खंजर चला कदीर के दिन। हमारा मौला जो मौला बना कदीर के दिन, कई कलेजों पे खंजर चला कदीर के दिन। और ये मसलहत थी खुदा की जो तीन कांधों पर, ये मसलहत थी खुदा की जो तीन कांधों पर मुनाफिकत का जनाजा उठा कदीर के दिन, मुनाफिकत का जनाजा उठा कदीर के दिन। अब मुनाफिकीन की सांसों में कर रही है उठन, मुनाफिकीन की शेषमा फरमाए कि मुनाफिकीन की सांसों में कर रही है घुटन। अजीब रुख से चली है हवा कदीर के दिन, मुनाफिकीन की सांसों में कर रही है घुटन। अजीब अजीब रुख से चली है हवा कदीर के दिन। और खुदा का दीन हो चाहे खुदा के बंदे हो, कि खुदा का दीन हो चाहे खुदा के बंदे हो, अरे कबूल होती है सबकी दुआ कदीर के दिन, कबूल होती है सबकी दुआ कदीर के दिन। और आप इसे समझने वाले हमारे जैसों की क्या हैसियत है चंदन, हमारे जैसों की क्या हैसियत है चंदन। अरे खुशी मनाते हैं सब अंबिया कदीर के दिन, खुशी मनाते हैं सब अंबिया कदीर के दिन। हमारी सोसाइटी, हमारा समाज और हम खुद
उनसे किस तरह से मुख्तलिफ है, अगर हम उनसे बेहतर और अफजल है तो हम लोग मान लिया, सिर्फ नाम ले जैसे तो मान लिया। ये सवाल मेरे जहन में सुबह से है, आप भी इसको सोचिएगा थोड़ा और जिंदगी में शायद कुछ तब्दीली लेकर आया है हमारे किरदार में या हमारे दिल में। सलाम। होता है एक दोस्त तो कौन जंगे
जमन में मगर अब पिता फैसला कीजिए। जिंदगी का भरोसा नहीं जिक्र है कर किया कीजिए। यानी आप मुख्तार हैं अंबिया के मददगार हैं। कितने मोमिन हैं खुदा खुशा उनकी हाजत रवा कीजिए। जिंदगी का भरोसा नहीं जिक्र है दर किया कीजिए। बुद्ध है दर है बुद्ध नबी ये निजात है सबसे बड़ी। जो अली से अदावत रखे दूर उससे रहा कीजिए। जिंदगी का भरोसा नहीं जिक्र है दर किया कीजिए। क्या नेमत के जाकिर महमूद जिक्र गैरों का करते नहीं। आप शायर इमरान के मनकबत ही लिखा कीजिए। नारा चला को मेरे अल्लाह का वो जिस पे कर्म हो जाए। मेरे अल्लाह का वो जिस पे कर्म हो जाए। वो मोहम्मद का वसी इल्म का दर हो जाए। वो मोहम्मद का वसी इल्म का दर हो जाए। अरे किसने हर मोड़ पे बस की है सुनो की मदद। किसने हर मोड़ पे बस की है सुनो की मदद। किसने हर मोड़ पे बस की है सुनो की मदद। यानी जब कहा आसान सफर हो जाए। मैदान शबी बसी मोहम्मद ने कहा। उनके मैदान शबी बसी मोहम्मद ने कहा। उनके मैदान शबी बसी मोहम्मद ने कहा। सबके मौला है अली सबको खबर हो जाए। सबके मौला है अली सबको खबर हो जाए। कि वो जिसको मुझने इस्लाम का फरमान नहीं क्या करे भक्ति का मिला वो मुसलमान को है साहिब ईमान नहीं। वो जिसको मोदी ने इस्लाम का फरमान नहीं इरफान नहीं वो मुसलमान को है साहिब ईमान नहीं। और जिसकी करता हो मदा सारे रसूलों का रसूल मदा उस शख्स की करना कोई आसान नहीं। पैगंबरों ने जो मांगी है वो दुआ है।
पैगंबरों ने जो मांगी है वो दुआ है रदीर, जो गूंजती रहता हश्र वो सदा है रदीर, और जो रुक सके ना वो ऐलान मुस्तफा है रदीर, कि इब्तिदा जुल अशीरा है इंतहा है रदीर, और गदीर मंजिले इनाम जावदानी है, गदीर मजहबे इस्लाम की जवानी है, गदीर दामने सिद्को सफा की दौलत है, गदीर काबा और कुरान की अमानत है, गदीर सरहदे मेराज आदमियत है, गदीर दीन की सबसे बड़ी जरूरत है, और गदीर मंजिले मकसूद है रसूलों की, गदीर फतह है इस्लाम के उसूलों की, और मकाए कौन मका को गदीर कहते हैं, चिराग खाने जाको गदीर कहते हैं, सदाकतों की जबा को गदीर कहते हैं, अमल की रूह रवा को गदीर कहते हैं, गदीर मंजिले तकमील है सफर न कहो, नबी की सुबह तमन्ना है तो पहर न कहो, और गदीर नाम है नोए बशर की असमत का, गदीर नाम है रबते किताब इजरत का, और जहां में जो है इसी एक सफर का सदका है, हर एक सुबह इसी दोपहर का सदका है, और कहीं सुकून कहीं झनकार बन गई है गदीर, कहीं सदाए सरदार बन गई है गदीर, कहीं कलम कहीं तलवार बन गई है गदीर, कहीं दुआ कहीं इनकार बन गई है गदीर, और ये सब असासे इल्मो यकीन मिट जाता, अगर गदीर ना होती तो दीन मिट जाता, अगर गदीर ना होती तो दीन मिट जाता, और सितमगरों से कहो कत्लेआम करते रहे, नबी के कौल की तावील आम करते रहे, जो कर गए हैं अब वजद वो काम करते रहे, हजारों जुल्म सितम सुबह शाम करते रहे, मगर गदीर का ऐलान रुक नहीं सकता, उठा था खून से जो तूफान रुक नहीं सकता, और जहां में दीन खुदा का निजाम बाकी है, फिजा में जोर दुरूद व सलाम बाकी है, सदाकतों का वही फैज आम बाकी है, खलीफा कोई नहीं है इमाम बाकी है, कि वारिसे असद तिलगीर जिंदा है, सखीफा मर गया लेकिन और गदीर ही की महक लालो गुलाब में है, गदीर हर दिले मुमिन की इस्तराब में है, इसी की रूह हर आवाज इनकलाब में है, इसी की रूह रगे हस्ती के पेचुताब में है, और जो जिक्र आए तो बातिल का दम निकलता है, ये वो चिराग है जो आनियों में जलता है, और गदीर अदल इलाही का रिश्ते मासूम, जहां में दीन खुदा है गदीर से मौसूम, समझ सका न जमाना गदीर का मफहूम, गदीर कल भी थी मजलूम अब भी है मजलूम, और सितम कोई भी करे वो उदू गदीर का है, किसी के जख्म से टपके लहू गदीर का है, और लिए है तेरे अली तिलगीर का वारिस, नमूद कुवत नाने शहीर का वारिस, और नबी का लाल जनाबे अमीर का वारिस, निकल के आएगा जिस दिन गदीर का वारिस, और जबान तेज बताएगी इस शान गदीर, कहीं पनाह न पाएंगे दुश्मनान गदीर, कहीं पनाह न पाएंगे दुश्मनान गदीर, और सितम किए हैं बहुत वक्त के शरीरों ने, मिटाए नक्श वफा खंजरों ने तीरों ने, हदीस ढाली है दुनिया के बेजमीरों ने, फसाने लिखे हैं दरबार के असीरों ने, अली के लाल का जब हाथ थाम लेगी गदीर, सितमगरों से जरूर इंतकाम लेगी गदीर, सितमगरों से जरूर इंतकाम लेगी
इराके फर्श पे आओ ये जन्नत ही है कौशल की, इराके फर्श पे आओ ये जन्नत भी है कौशल की, यहाँ हसनैन और चेहरा भी मोहम्मद जी है। खुदा जाने जगह नहीं आए किसको किसके पहलू में, यहाँ मोमिन भी बैठे हैं फरिश्ते भी पैगंबर भी। अल्लाह का पैगाम समझ बैठे हैं जो हकूमत को ही इस्लाम समझ बैठे हैं, यानी तेरी विलायत को इमामत को तेरी, हम तो अल्लाह का इनाम समझ बैठे हैं। अल्लाह की खिलाफत को है मौलाई खिलाफत, अल्लाह की खिलाफत को है मौलाई खिलाफत, आदम से अली तक है चली आई खिलाफत, दुनिया में तो चल जाएगी लेकिन सरे महक कुछ काम ना आएगी सखी भाई खिलाफत है। नाम अली अर्श पे पुरा की दमा पर मरहूम यही नाम जो है बाबे जिला पर, जो नाम से है बाद खुदा और मोहम्मद, उस नाम को रखा है मुसलमान कहाँ पर, अली अली है अली अली है अली अली है अली अली है, नबी का वारिस खुदा का मजहर अली अली है। खुम का हसीन मंजर सजा कलामो का एक निम्बर, बुलंदियों पर गए जो हैदर कहा पयंबर ने मुस्कुरा कर, हर एक कमालाए मेरा दिल पर, हर एक कमालाए मेरा दिल पर अली अली है। Yeah.
है जैसा दूल्हा है वैसी वो जिसकी हम सर नदी की टुकड़ वो जिसकी हम सर नदी की किसी ने पूछा कि क्या है कुर्मा वो कौन है जो है जाने माँ वो कौन है जो है शेरे अजना वो कौन है जो है शाहे मरुदा कहा जो अब्बा ये मैंने हंस कर कहा जो अब्बा ये मैंने हंस कर अली अली सबसे सिवा फजीलत वो किस पे नादा है वो मशीयत वो किसकी परदे में है हकीकत वो किसकी परदे में है हकीकत बढ़ी है काबे की किससे अदमत कहा ये काबा ने मुस्कुरा कर But I'm
शरीयत वदीर में मरहम है क्यों मिलाजे मशीयत वदीर।